बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। समस्तीपुर में दो दिवसीय उपादान सह यांत्रिकरण मेले का आयोजन। पहले दिन 42 किसानों के द्वारा 18,17,000 का कृषि यंत्र की गई खरीद। समस्तीपुर जिले के संयुक्त कृषि भवन मथुरापुर बाजार समिति के प्रांगण में दो दिवसीय उपादान सह यांत्रिकरण मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी योगेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सिंह ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अनुदान के लिए किसान को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विज्ञान केंद्र लादा के वरीय वैज्ञानिक द्वारा किसानों को आधुनिक यंत्रों के संबंध में जानकारी दी गई। वर्ष 2023-24 में कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से 748 किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदने हेतु स्वीकृति पत्र भी निर्गत किया गया, जिसमें 42 किसानों के द्वारा 18,17,000 का कृषि यंत्र खरीद किया गया। जिला के विभिन्न अनुमंडल से कृषि विभाग के द्वारा निर्मित 16 उपादान विक्रेताओं ने अपना स्टॉल लगाया। साथ ही विभिन्न विभागों के द्वारा योजना से संबंधित किसानों को जानकारी के लिए स्टॉल लगाया गया था। प्रखंड तकनीकी सहायक मारुति नंदन शुक्ला ने जलवायु के अनुरूप खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। जिले के विभिन्न पंचायतों से आए किसानों ने मेले में लगे विभिन्न कृषि यंत्रों के स्टॉल पर पहुंचकर बारीकियों से देखा। मेले में ट्रैक्टर, रोटावेटर, पंप सेट, पावर स्प्रे, कल्टीवेटर आदि स्टॉल पर किसानों की भीड़ अधिक थी। वहीं मेले में कृषि विभाग के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड तकनीकी सहायक, उद्यान पदाधिकारी के अलावा जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक रसायन, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र लादा, परियोजना निदेशक आत्मा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। ये लोग ऐसे किसान हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किए हैं। पहला जो लॉट हम लोगों ने लॉटरी का निकाला उसमें करीब 750 लोगों को उसमें से मुहैया कराया गया है। और विभाग और सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि सस्ते और आसान दरों पर जो तकनीक विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के लोग विकसित कर रहे हैं वो विक्रेताओं के माध्यम से आप लोगों को मुहैया कराया जाए। और इसी दिशा में आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो बाएं साइड में इतना लंबा छोटा छोटा लिखा हुआ जो सूची लगा हुआ बोलता हुआ लोगों को पीछे से नहीं नजर आ रहा होगा, इधर ये पैकेट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया या किया जाएगा। और हमारे जो विक्रेता बंधु हैं उनके स्टॉल भी बहुत सारी जगह वहाँ पर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 110 तरीके के कृषि यंत्रों के बारे में सरकार 40% से लेकर के 90% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है, यानी आपको उसमें 10% से लेकर के 60% तक अपना पूंजी लगाना है और आसानी से उसको आप प्राप्त करके आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि फार्म साइज एक चैलेंज है, छोटा कृषि का जो आपका आता है पूंजी का और इन सब चीज़ों का, इसीलिए सरकार इस पर अनुदान दे रही है और कोशिश है कि आप इसको प्राप्त कर बढ़िया से इसको अपना उपयोग करें। इसी बारे में भी हमारे सहायक निदेशक जो है आपको कस्टम हायरिंग केंद्र के बारे में बता रहे हैं। ये कस्टम हायरिंग केंद्र का जो प्रचलन है ये कृषि विभाग के अलावा अन्य भी कई विभागों में इधर सरकार करने का प्रयास कर रही है। कारण यही है कि विभाग और सरकार की सोच है कि हमारे 100% किसान यांत्रिकीकरण सलाहकार सभी समन्वयक सभी एटीएम बीटीएम और सभी अन्य कर्मी रहते हैं। तो ये जो विभाग के सहयोग से पदाधिकारियों और हमारे जो विक्रेता हैं इनके सहयोग से जो ये मेला लगाया गया है मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। वैसे हमारे कृषक बंधुओं के लिए जो अपनी कृषि को और उन्नतशील बनाना चाहते हैं, इस जिले में तो कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय है ही है,
साथ ही हमारे दो कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, जहाँ के वैज्ञानिक लगातार खासकर कृषि यांत्रिकीकरण में भी नया नया रिसर्च करते रहते हैं, पेटेंट भी हासिल करते हैं और आपके बीच में प्रदर्शनी लगा करके आपको उससे अवगत भी कराते हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे खेतों में भी जाकर के वो देखते हैं कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। तो यांत्रिकीकरण के बिना, कहने का मतलब ये है, चाहे कितनी भी जोत साइज का आपका खेत है, हालांकि बहुत सारा जो जोत का साइज है, फार्म साइज है, वो लघु और मध्यम का भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी बिना कृषि यंत्रों के चाहे किसी भी साइज का आपका खेत है, फार्म है, बिना उसके कल्पना नहीं की जा सकती। उन्नतशील कृषि यांत्रिकीकरण का समानार्थी बन गया है। जितना अच्छा आपका उन्नतशील आप बीज और खाद और बाकी चीजों का प्रयोग करते हैं, दूसरी तकनीक का प्रयोग करते हैं, उतना ही अहम, उतना ही जरूरी कृषि यंत्रों का उपयोग। बिना कृषि यंत्रों के उपयोग के आप उन्नतशील कृषि की न तो परिकल्पना कर सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कि अपना समय बचा करके आप उसमें कम पूंजी में, कम समय में आप उसमें उत्पादन कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कार्यालय में तो वैसे आते ही रहते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई आते रहते हैं विभिन्न प्रकार के सुझाव लेकर के, शिकायत लेकर के, लेकिन जब भी हम लोग क्षेत्र में भी जाते हैं, रजक इंद्र कुमार रजक जी, हाँ इन लोगों को भाई थोड़ा सा आप आगे लगाइए भैया, जिन लोगों का बाइक है वो माप तौल वाले प्रांगण में लगाएंगे और जिन लोगों को परमिट दिया जाएगा एक बार